वेलकम बैक एक और न्यू वीडियो में। आप सभी के मन में एक क्वेश्चन तो हमेशा आता होगा कि ये सेलर्स आखिरकार कॉइन ट्रांसफर करते कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल, क्या ये कोई जादू है? तो ना ये कोई जादू है और ना ये कोई मिरेकल है, बस एक सिंपल सा मेथड है जिसके हेल्प से आपके आईडी में कॉइन ट्रांसफर किए जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द सेलर आपको पीसी से कॉइन ट्रांसफर करते हैं, एंड पीसी एक सेफ मेथड है कॉइन ट्रांसफर के लिए जिससे आपका आईडी को कोई भी रिस्क नहीं रहता है। तो बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप कॉइन्स बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे से भी कर सकते हैं, पूल में कोई भी ऑफर या कुछ भी बाय करना चाहते हैं आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर आप खुद से कॉइन्स ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा एक पीसी का, बिकॉज अगर आप मोबाइल से करने जाएंगे तो आपका अकाउंट बैंड हो सकता है। तो पीसी में आने के बाद सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर चूज कर लीजिए, मैं पर्सनली क्रोम एंड ब्रेव ब्राउजर यूज करता हूँ। एंड अगर आपका एक अकाउंट मिनी क्लिप का एंड एक अकाउंट फेसबुक का है तो आप सिर्फ क्रोम ब्राउजर में दो टैब ओपन करके आप वहीं से कॉइन ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको दो ब्राउजर का नीड नहीं होगा। पर आपका अगर दोनों अकाउंट फेसबुक का है, यानी आपको जो अकाउंट से कॉइन दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, आपका अगर दोनों अकाउंट फेसबुक का है तब आपको दो ब्राउजर का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि मेरा फेसबुक का अकाउंट है एंड मोस्ट ऑफ द लोगों के पास फेसबुक का ही अकाउंट होता है, तो इसलिए मेरे को दो ब्राउजर का जरूरत पड़ता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सपोज आपका फेसबुक का अकाउंट है तो आप अपना ये अकाउंट ओपन किए, उसके बाद आप लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे देखेंगे तो वहाँ आपको 8 बॉल पूल का आइकन दिखेगा, आप वहाँ से क्लिक करके गेम ऑन कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे 8 बॉल पूल का आइकन नहीं दिख रहा है तो आपका फेसबुक का लिस्ट में गेम्स होता है, वहाँ पे वेब गेम्स होता है, आप उसको क्लिक कीजिएगा। राइट कॉर्नर में आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ जाके आप 8 बॉल पूल लिखेंगे तो वहाँ पे आपको आ जाएगा 8 बॉल पूल, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। देन ये तो हो गया आपका फेसबुक लॉगिन। बट अगर आपका मिनी क्लिप लॉगिन है तो आप सिंपली मिनी क्लिप की वेबसाइट में जा सकते हैं, लॉगिन कीजिए अपना अकाउंट, देन वहाँ पे 8 बॉल पूल का ऑप्शन है उसको क्लिक करके आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। नाउ दोनों अकाउंट मैंने ओपन कर लिया, एक मेरा अकाउंट है जो कि फेसबुक लॉगिन है एंड जिसमें कॉइन्स बहुत ही कम है अभी, ऑलमोस्ट आई थिंक 600 मिलियंस के आसपास होगा। एंड दूसरा अकाउंट अभी जो गिव अवे मैंने किया तो उसके जो विनर है ये उनका अकाउंट है, एंड जो विनिंग प्राइस है 50 मिलियन वो मैं अभी ट्रांसफर करूंगा। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस अकाउंट में आपको कॉइन्स ट्रांसफर करना है उस अकाउंट में मिनिमम 300K कॉइन्स होने ही चाहिए, बिकॉज कॉइन्स ट्रांसफर स्टार्ट होता है आपका कायरो से एंड कायरो का आपका एंट्री फीस है 250K। एंड अगर आपका बाई चांस टेबल कनेक्ट नहीं हुआ तो आपके कॉइन्स वेस्ट हो जाएंगे एंड वापस उस कॉइन को रिगेन करने में बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए जब भी आप कोई भी टेबल कनेक्ट करें तो उस टेबल से ज्यादा कॉइन्स रखें बैकअप के लिए। एंड कॉइन्स ट्रांसफर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका इंटरनेट, आपका इंटरनेट जितना फास्ट होगा आईडी उतना जल्दी कनेक्ट होगा। देन आपको जो टेबल कनेक्ट करना है तो उसको दोनों आईडी में सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद 4 से 5 सेकंड वेट करिए। एंड ये याद रखिएगा कि जो प्लेयर ऑनलाइन है वो आपका दोनों अकाउंट में दोनों टेबल में सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर आप दुबई कनेक्ट कर रहे हैं तो आपका दुबई में अगर 10 प्लेयर्स ऑनलाइन है तो उस अकाउंट में भी आपका 10 प्लेयर्स ही ऑनलाइन होने चाहिए, तभी जाके आपका अकाउंट कनेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। देन उसके बाद दोनों टेबल्स में साथ में क्लिक करना है, उसके बाद आपका आईडी कनेक्ट हो जाएगा। एंड अगर आपका आईडी कनेक्ट नहीं हो रहा है या कोई दूसरे प्लेयर्स के साथ अगर आपका आईडी कनेक्ट हो गया है तो या तो आप प्ले कर लो अगर आपके पास टाइम है, और नहीं तो लीव कर दो। एंड पीसी में गेम प्ले करना इतना आसान नहीं होता है, आप ये मत सोचना कि मोबाइल की तरह, नहीं, इसमें आपको मोबाइल की तरह क्यू का स्टेबिलिटी नहीं मिलता है। पीसी में आपको क्यू को कंट्रोल करना आना चाहिए, बिकॉज क्यू एम एंड फोर्स तीनों को आपको साथ में कंट्रोल करना पड़ता है। एंड अगर आपका आईडी कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, ये किसी से भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करो एंड वापस से ट्राई करो। एंड भाई कॉइन्स ट्रांसफर में कॉइन्स भी बहुत ही ज्यादा वेस्ट होते हैं। मानो कि अगर आप सियोल कनेक्ट कर रहे हो जो कि आपका 10 मिलियन का है एंड वो कोई और प्लेयर से कनेक्ट हो गया तो आप दोनों अकाउंट में साथ में तो प्ले कर नहीं पाओगे, तो वहां आपका डायरेक्ट 10 मिलियन वेस्ट चला गया। एंड अगर आप दूसरे अकाउंट से भी हार गए तो मानो कि आपका 20 मिलियन पूरा वेस्ट चला गया एंड आपका सियोल हो गया, मुंबई हो गया, बर्लिन हो गया, ये सब में आपको विनिंग के बाद भी पूरे कॉइन्स नहीं मिलते हैं, आपको कॉइन्स डिडक्ट करके दिए जाते हैं। एंड नाउ आप सपोज करो कि मैं 1 बिलियन ट्रांसफर कर रहा हूं, तो जानते हो उसमें अप्रॉक्स 200 मिलियन मेरा वेस्ट होता है कॉइन्स 1 बिलियन ट्रांसफर करने में, क्योंकि आपका बर्लिन में 25 मिलियन तो पूरा वापस मिलता नहीं है, 21 मिलियन के आसपास कुछ वापस मिलता है, 3.5 या 4 मिलियन आपको पूरे वेस्ट हो जाते हैं। अब सोचो 300 के डील में 100 रुपए तो मेरे ऐसे ही वेस्ट हो गए, कितना बचा, सिर्फ 200। एंड बहुत सारे भाई बोलते हैं कि पैसा कम कर दो, पैसा थोड़ा कम कर दो, यार आप खुद देखो कैसे ही कोई कम करेगा। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि जितने भी भाई लोग हैं वो खुद देखे, वो खुद समझे कि भाई कॉइन सेलिंग इतना आसान नहीं होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको कॉइन्स मिलते हैं, कैसे एक आईडी से दूसरे आईडी में कॉइन्स ट्रांसफर होते हैं एंड सेलर्स लोग का भी नुकसान होता है। तो ऑन दिस नोट मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यहां से प्रेस कर दीजिएगा कि आप कोई भी इन फ्यूचर का नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, तब तक कीप प्लेइंग एंड बाय बाय।